अभी एक नई चीज आपको दिखा दें, आश्चर्य होगा जो मैं बोलता हूं कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो करके और मोदी जी को सट करके प्रधानमंत्री बना रहे हैं और अखिलेश जी हट करके माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखिए राजभर ही नहीं नड्डा से मिला है, ये देखिए कौन मिला है, अखिलेश यादव जी गए जेपी नड्डा से मिलने कि हम आपके साथ हैं, खाली हमको बाहर रहने दीजिए और हमको जो है बोलने दीजिए दिन में, रात में तो हम आपके साथ आइए। जब 2011 की जातिवार जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी ने ही उस बिल को फाड़ा था, तब उनको जातिवार जनगणना याद नहीं आई। सत्ता से दूर होने के बाद सभी लोगों को जातिवार जनगणना की याद आती है। देखिये माननीय जेपी नड्डा जी से जो हमारी वार्ता हुई वो बिहार में संगठन को लेकर के कार्यक्रम की, आप एक कार्यक्रम दीजिए, अभी तक जो चर्चा पूर्वांचल की राजनीति को लेकर के राजभर को जाना जाता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहां जो मैसेज आ रहा है यूपी के 75 जिले में आप कार्यक्रम इस समय चला रहे हो और बिहार में भी आप काफी तेजी हाथ पांव फैला रहे हो, तो हमने कहा एक कार्यक्रम दीजिए बिहार में भी देखिए। और फिर उन्होंने जिक्र किया मैनपुरी के कार्यक्रम की, इटावा के, आपके औरैया के, जो भी कार्यक्रम उधर हुए थे, संज्ञान में पार्टी को है वहां कि आप पूर्वांचल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा चुके हैं और संगठन को उधार दे रहे हैं। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में भी चर्चा हुई उनसे, उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर निर्णय हम लोग, और माननीय गृह मंत्री जी बाहर थे, अभी 3-4 दिन में आएंगे तो फिर बातचीत करके तय हो जाएगा। देखिए कोई भी पार्टी देश और प्रदेश के विकास के लिए ही सत्ता में जाती है, तो विकास के लिए जो काम हो रहा है तो इससे तो सबको खुशी होनी चाहिए, सबको और उत्साहित होना चाहिए कि भाई कम से कम विकास हो रहा है। जो काम विपक्ष के लोग नहीं कर पाए उस काम को मोदी जी कर रहे हैं, तो सबको मिलकर के सहयोग करना चाहिए और सबको जिंदाबाद बोलना चाहिए। 22 तारीख को दिया गया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि उचित समय पर इसका निर्णय लिया जाएगा। देखिए कांग्रेस पार्टी उचित समय पर क्या निर्णय लेगी, सभी लोग अयोध्या जाने के लिए आतुर हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो लोग भगवान राम को मानते हैं सब लोग जाने के लिए ललायित हैं और सब सिर्फ खाली बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल आमंत्रण है, राजभर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। कितनी उत्सुकता है, कितना है। अब 22 तारीख को न जाना है कि अजुए से कुर्ता उर्ता टाइट करके चला जाए, चला जाएगा 22 को। ये बात तो उनकी बात में दम है। जब 2011 की जातिवार जनगणना सार्वजनिक करने की बात आई तो सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी ने ही उस बिल को फाड़ा था, तब उनको जातिवार जनगणना याद नहीं आई। सत्ता से दूर होने के बाद सभी लोगों को जातिवार जनगणना की याद आती है। हाँ नीतीश जी को कहूंगा कि एकलौते नेता हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए गलत ही सही उन्होंने अपने यहां जो जाति जनगणना कराने का ऐलान किया, एक फॉर्मेट उन्होंने तैयार किया जिसमें बहुत सी जातियों का जातिवार जनगणना नहीं हो पाई, चाहे वो राजभर हो, रजवार हो, राजवंशी हो, राजधोब हो, प्रजापति हो, पाल हो, तमाम ऐसी जातियां हैं जो वंचित रह गई हैं। तो कम से कम उन्होंने साहस तो किया, करके दिखाया। ये सब तो खाली बोलते हैं, सत्ता में रहते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम कुछ करें, ये खाली भौकाली नेता सब हो गए हैं। अभी एक नई चीज आपको दिखा दें, आश्चर्य होगा जो मैं बोलता हूं कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो करके और मोदी जी को सट करके प्रधानमंत्री बना रहे हैं और अखिलेश जी हट करके माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखिए
राजभर ही नहीं नड्डा से मिला है, ये देखिए कौन मिला है, अखिलेश यादव जी गए जेपी नड्डा से मिलने कि हम आपके साथ हैं, खाली हमको बाहर रहने दीजिए और हमको जो है बोलने दीजिए दिन में, रात में तो हम आपके साथ हैं।